नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीआरपीएफ की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को अक्सर जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्केल के तरह वाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन व लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, तो देखिए यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 1458 वैकेंसीज रखी गई है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं वैकेंसीज के शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2023 के ओवरव्यू के बारे में अगर हम बात करें, तो आपका जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ रहेगा। सीआरपीएफ की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पोस्ट नेम के बारे में बात करें, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए वैकेंसीज रखी जाएंगी, एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल वैकेंसीज 2023 के लिए इन वैकेंसीज को रखा जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें, तो 1458 पोस्ट आपके लिए रखी जाएंगे। सैलरी के बारे में बात करें, तो आपको जो बेसिक पे स्केल मिलने वाला है वो 18,000 से 69,100 रुपए तक मिलने वाला है, जो कि काफी अच्छी खासी आपकी सैलरी यहां पर बनने वाली है। इसी के साथ में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जितने भी अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे के सारे अलाउंस आपको यहां पर भी दिया जाएंगे। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, तो ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, एंड ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी crpf.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। टोटल 1458 पोस्ट रखी गई है। पोस्ट नेम के बारे में बात करें, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जहां पर रखी गई है। बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज की अपडेट के बारे में, तो देखिए कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 532 वैकेंसीज रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 132 एंड ओबीसी के लिए 355 वैकेंसीज है। एससी के लिए 197 व एसटी कैंडिडेट के लिए 99 वैकेंसीज रखी जाएंगी। टोटल 1315 वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। एंड सीआरपीएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए 58 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 39 वैकेंसीज रखी गई हैं। साथ ही में एससी के लिए 21 एंड एसटी के लिए 11 वैकेंसीज आपको यहां पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए देखने को मिल जाएंगी। टोटल वैकेंसीज 143 वैकेंसीज रखी गई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर आपका ऑल ओवर इंडिया रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी आप जॉब प्रोवाइड की जा सकती है, एंड आप अपने होम स्टेट में अपनी एग्जाम भी दे पाएंगे। सैलरी एंड बेसिक पे स्केल के बारे में बात करें, तो हेड कांस्टेबल पद के लिए 25,500 से 81,100 रुपए तक आपको पर मंथ सैलरी यहां पर मिलने वाली है। इसी के साथ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए 29,200 से 92,300 रुपए तक आपको पर मंथ पे स्केल यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, तो जनरल एंड इसी के साथ में ओबीसी एंड अदर स्टेट कैंडिडेट को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। साथ ही में एससी एसटी एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट को यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड बैंक चालान का इस्तेमाल करके आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें, तो 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट यहां पर रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 से 28 एंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों 25 जनवरी 2022 तक आपकी एज को काउंट किया जाएगा, एंड एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल के एंड ओबीसी कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखिए आपका जो एग्जाम पैटर्न या फिर जो आपका सिलेबस रहेगा, इसमें दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज से आपके ऑप्शनल रहेगा, मतलब कि आप दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट को जो है चूज करके उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 नंबर के। जनरल एप्टीट्यूड से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, साथ ही में जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। सो टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले, 100 नंबर का आपका ये पेपर कंडक्ट
अपडेट करवाया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिकल के बारे में, तो देखिए यहाँ से आप जो है अपनी सीआरपीएफ के लिए फिजिकल इजिली चेक कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट यहाँ पर रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रखी गई है। इसी के साथ में अगर आप नॉर्थ इंडियन जोन के कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रहेगी। साथ ही में चेस्ट के बारे में बात कर लें तो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 80-85 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट आपका मांगा गया है, मतलब कि 80-85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना जरूरी है। एंड इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं रनिंग टेस्ट के बारे में, तो देखिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी रनिंग रहेगी, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ रहेगी जिसे 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ रहेगी जिसे 4 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। दोस्तों सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट के लिए आप किस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायर रहने वाली है, तो देखिए आपके पास में फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए। इसी के साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, आप इसके लिए 8वीं और 10वीं का जो है सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। डोमेस्टिक सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड आईडी प्रूफ के लिए आपके पास में होना बेहद जरूरी है। साथ ही में दोस्तों अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सीआरपीएफ के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपको फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पर देखने को मिल जाएगी। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर आप कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 10वीं क्लास पास होना जरूरी है एंड 12वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए यहां पर एनी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। साथ ही में आपके पास में जो है 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए और हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट की होना बेहद जरूरी है। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए भी आपके पास में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना बेहद जरूरी है, 10+2 वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं एंड स्टेनो की टाइपिंग आपके पास में होनी चाहिए 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। साथ ही में ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट और 65 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन आपका होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। इसी के साथ में दोस्तों इंपोर्टेंट डेट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। सो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को टाइम टाइम पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको हमारे चैनल पर भी इस भर्ती से संबंधित सारी अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो किसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।